हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा कि आपसी झगड़े ने डुबो दिया कांग्रेस को, अगर वक्त रहते सुलझा लेते झगड़े तो ये हाल नहीं होता। वहीं हेमाराम चौधरी ने प्रभु राम का जिक्र करते हुए कहा, राम जी को इसलिए सब मानते हैं क्योंकि वो त्याग करते थे। अब इस बयान के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। पहला तो ये कि हेमाराम चौधरी ने गहलोत पर हमला किया, सियासी संदेश दिया कि गहलोत की वजह से चुनाव हारे। वहीं दूसरी तरफ त्याग के जरिए सचिन को साधने की कोशिश की। अगर कांग्रेस की हार के बाद भी सचिन लोकप्रिय है तो इसके पीछे की वजह है सचिन पायलट का त्याग। वहीं रंधावा, डोटासरा और जूली के सामने ये बयान दिया गया, शायद ये बताने के लिए कि वक्त पर फैसले लेते तो हम विपक्ष में नहीं होते। हालांकि हेमाराम चौधरी जब सरकार में थे तब भी पार्टी को चेता रहे थे, लेकिन तब गहलोत सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा कि आपसी झगड़े ने डुबो दिया कांग्रेस को, अगर वक्त रहते सुलझा लेते झगड़े तो ये हाल नहीं होता। वहीं हेमाराम चौधरी ने प्रभु राम का जिक्र करते हुए कहा, राम जी को इसलिए सब मानते हैं क्योंकि वो त्याग करते थे। अब इस बयान के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। पहला तो ये कि हेमाराम चौधरी ने गहलोत पर हमला किया, सियासी संदेश दिया कि गहलोत की वजह से चुनाव हारे। वहीं दूसरी तरफ त्याग के जरिए सचिन को साधने की कोशिश की। अगर कांग्रेस की हार के बाद भी सचिन लोकप्रिय है तो इसके पीछे की वजह है सचिन पायलट का त्याग। वहीं रंधावा, डोटासरा और जूली के सामने ये बयान दिया गया, शायद ये बताने के लिए कि वक्त पर फैसले लेते तो हम विपक्ष में नहीं होते। हालांकि हेमाराम चौधरी जब सरकार में थे तब भी पार्टी को चेता रहे थे, लेकिन तब गहलोत सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा कि आपसी झगड़े ने डुबो दिया कांग्रेस को, अगर वक्त रहते सुलझा लेते झगड़े तो ये हाल नहीं होता। वहीं हेमाराम चौधरी ने प्रभु राम का जिक्र करते हुए कहा, राम जी को इसलिए सब मानते हैं क्योंकि वो त्याग करते थे। अब इस बयान के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। पहला तो ये कि हेमाराम चौधरी ने गहलोत पर हमला किया, सियासी संदेश दिया कि गहलोत की वजह से चुनाव हारे। वहीं दूसरी तरफ त्याग के जरिए सचिन को साधने की कोशिश की। अगर कांग्रेस की हार के बाद भी सचिन लोकप्रिय है तो इसके पीछे की वजह है सचिन पायलट का त्याग। वहीं रंधावा, डोटासरा और जूली के सामने ये बयान दिया गया, शायद ये बताने के लिए कि वक्त पर फैसले लेते तो हम विपक्ष में नहीं होते। हालांकि हेमाराम चौधरी जब सरकार में थे तब भी पार्टी को चेता रहे थे, लेकिन तब गहलोत सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं थी।